Was me? Calling, same. Yes. No, no. My number. No, no. देखते हैं ये हमें कितना समझा पाती हैं और कितना हमें बताती हैं सही लोकेशन. ओके ओके ओके. यू लुक ब्यूटीफुल. थैंक यू वेरी मच. ओके थैंक यू. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 लगभग और मैं अपने हॉस्टल से निकल रहा हूँ. और रात का सीन ये था कि रात को हम अरबत स्ट्रीट गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी तो उसकी वजह से मेरा कैमरा भी ऑफ हो जा रहा था. और ये हॉस्टल का कुछ इस तरह का एंट्रेंस है और यहाँ पर ये सब रेडी टू ईट सामान रखा है. अगर आपको कुछ इसमें से लेना हो तो आप ले सकते हो पे करके. और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है रिसेप्शन और ये वॉशरूम है ये दोनों. और ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है हॉस्टल अंदर का. अभी लाइट शो पे और कुछ लोग सो रहे हैं. और ये है किचन एरिया. ये किचन एरिया अगर आप लोगों को बनाना आता है या फिर आप बाहर से ला के कुछ बनाना चाहते हैं तो आप बना के खा सकते हैं. ये अपन एरिया भाई. ये लोग कोपतों पर जाके आ चुके हैं कल और मैं आज जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ लेकिन अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ बाहर कोई सुपर स्टोर पर कुछ खाने का देखते हैं. और यहाँ पे आपको चप्पल उतार देना है, यहाँ से आपको शूज़ पहन लेना है. यहाँ पे चप्पल रखी हुई है. सो गाइस, आप देख सकते हैं ये बाहर से हॉस्टल कुछ इस तरह से है और ये बाहर का इस तरह का कुछ अपार्टमेंट है और भी या हॉस्टल होटल भी हो सकता है कोई. और ये कुछ इस तरह का बाहर का नज़ारा है. और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इस सीज़न में आएँ तो आप मजबूत जैकेट और मजबूत ग्लव्स वगैरह लेके आएँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. तो हाथ आप 5-10 सेकेंड के लिए भी अगर बाहर निकालते हैं ग्लव्स से या जेब से तो तुरंत वो सुन पड़ जाते हैं. तो इसलिए आपको काफ़ी मजबूत जैकेट और यहाँ पर ग्लव्स चाहिए रहेगा. गर्म कपड़े ले कर आएँ, इनर वगैरह. और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरफ ये मेन रोड है और इस तरफ भी मेन रोड है. मैं इस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि एक सुपर स्टोर मैंने रात को देखा था आते हुए. तो चलिए वहाँ पे चलते हैं. और इस हॉस्टल की बात करूँ तो ये मुझे लगभग 550 के आसपास पड़ा है. कुछ 3029 टेंगे का था. 550 के आसपास, 550-600 में आपको हॉस्टल यहाँ पे मिल जाएगा. लेकिन वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया था कल. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बस जा रही है और आपको ये ग्रीन सिग्नल देख के ही क्रॉस करना है. ये अलमाटी सिटी. और मैं आप लोगों को गाइस ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों को अलमाटी या कास्ताना घूमने आना है तो इतनी ज़्यादा ठंड में मत आइए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें ठंड की वजह से बंद भी हो जाती है. तो बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बैटरी इसकी ऐसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में या बहुत ज़्यादा कोल्ड में इसकी बैटरी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, कैमरा बंद हो जाता है. तो इसलिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ कई जगह. और कुछ वीडियोज़ मैंने पहले देखे थे, कई भाई लोग आए थे वीडियो बनाया है उन्होंने, लेकिन वो जब आए थे तब थोड़ा सा मौसम अच्छा था. वो लोग जब आए थे तो थोड़ा सा मौसम अच्छा था तो धूप वगैरह भी अच्छी खासी निकल रही थी. लेकिन अभी 9:15 से ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पे धूप वगैरह भी नहीं निकल रही है. अभी देखते हैं दोपहर तक धूप निकलेगी हो सकता है. लेकिन आप लोग यहाँ पे आएँ तो अपना जो ठंडी का जो इंतज़ाम है वो आप मजबूत करके आएँ क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. तो चलिए देखते हैं. नज़ारे तो बाकी बहुत अच्छे हैं देखने के लिए, बहुत सुंदर नज़ारे हैं. ये आप देख सकते हैं हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है. या आई थिंक कोई पार्क वगैरह है छोटा सा गार्डन जैसा, लेकिन इतनी बर्फ़ जमी है कि कोई आता ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है. तो अभी मैं जा रहा हूँ एक सुपर स्टोर में और सिम का मैं पता करता हूँ क्योंकि सबसे पहले मुझे सिम लेना है. आप जब भी एयरपोर्ट पे ही आएँ तो पता करें, अगर सस्ती महंगी जैसी भी मिले वहीं से ले लें क्योंकि मैं एक वीडियो देखा था तो उन्होंने बताया कि आप एयरपोर्ट से लेंगे तो थोड़ी महंगी है और बाहर आके लेंगे तो थोड़ी सस्ती मिलती है.
लेकिन मेन बात ये है कि एयरपोर्ट से ही आपको टैक्सी बुक करना रहता है, कहाँ जाना है कहाँ आना है वो आपको लोकेशन चेक करना रहता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि 100-200 सस्ती महंगी आप एयरपोर्ट से ही ले लें। तो इसके लिए सिम रहेगा तो क्या, आप नेट आपके पास है तो अनजान जगह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी सर्च करना है आपको कहीं जाना है तो। इसलिए मैं अभी सिम खरीदने जा रहा हूँ और एक सुपर स्टोर में जाके कुछ देखता हूँ खाने पीने के लिए। और यहाँ पे ग्रीन बाज़ार भी है एक, तो वहाँ पे सारी सब्जियाँ फल वगैरह मिलता है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। और इतना ज़्यादा भी सस्ता नहीं है जैसे कि बहुत लोग बताते हैं कि बहुत सस्ता है कजाकिस्तान। सस्ता है, जो यूरोपियन कंट्री है उससे सस्ता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी सस्ता नहीं है। जैसे कि सैंडविच आपको इंडिया में 50-60 रुपए की मिल जाती है, यहाँ पे आपको वही चीज़ 100 रुपए की 150 रुपए की मिलती है। तो थोड़ा सा मतलब फॉरेन ट्रिप आप करते हैं तो थोड़ा सा आपका जो बजट है वो वेरी कर सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी सस्ता नहीं है, लेकिन ठीक है। और फल वगैरह भी आप ले सकते हैं ग्रीन बाज़ार से, वो भी आप खा सकते हैं। और चलिए यहाँ पे चलते हैं देखते हैं। और कल के वीडियो में जो आपने देखा था, सोहन भाई दो सरदार जी थे, उन्होंने तो घर से ही खाना बना के लाया था। हाँ एक्सक्यूज मी, एनी सुपर स्टोर हियर? सॉरी आई डोंट स्पीक इंग्लिश। यू हैव ट्रांसलेटर? आई वांट टू नो सिम कार्ड कॉलिंग सिम कॉलिंग सिम। यस नो माय नंबर नो Translate. यहाँ पे मैं रात को देख के गया था लेकिन एक स्टोर मिल नहीं रहा है। मैं यूट्यूबर आई वॉन्ट टू बाई अ सिम। देखते हैं ये हमें कितना समझा पाती हैं और कितना हमें बताती हैं सही लोकेशन। व्हाट्स योर नेम? नास्त्या। ओके ओके। मिनिया जाबुत अब्दुल्ला। You from Almaty? Yes. Okay. Almaty is very cold. Yes. Very cold. बता रही है मुझे बट इट्स वेरी लॉन्ग इन नियर बाई यानी दिस इज वेरी लॉन्ग दिस इज वेरी लॉन्ग वे एनी नियर बाई and you know translator I need sim for 7 days or 10 days, can you suggest me any sim or in cheap budget? Madam bahut help kar rahi hain. You are going to job? Yes. Okay, you are getting late. Okay. Sorry. Okay. तो ये बता रही हैं कि इनको सिम का तो नहीं पता है। What do you job? Any matter. Oh, nice. You look beautiful. Thank you very okay, much. Okay, thank you. You don't have in your phone?
Instagram? No, no. No, YouTube? Yeah. No, English? Travel with Abdullah. This is my channel. Ah, good. Yeah. So this video will come on this channel. You watch? Good. Okay. Thank you. Спасибо. Bye. Bye. Thank you. दोस्तों अभी आधा घंटा से ज़्यादा हो गया और वो जो मैडम ने बताया था मुझे शॉप आगे जाके, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वो शॉप है किधर और पता नहीं चल रहा, सब रोड भी एक जैसे दिख रहे हैं। अब हॉस्टल पे तो मैं पहुंच जाऊंगा कैसे भी, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है। अब सिम लेके ही मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि सिम मुझे ख़रीदना ही पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं एक सुपर स्टोर में आ गया था और ये सुपर स्टोर देखिए कुछ इस तरह का है, और भूख लग रही थी मेरे को तो मैंने एक ये केक लिया है। तो गाइस अभी केक लेके आ गए हैं 825 टेंगे का, और उसमें केक है शायद 9 या 12 केक है, तो काम चल जाएगा अपना दोपहर में। अभी देखता हूँ, सिम के लिए जा रहा हूँ, यहीं पे आसपास कहीं शॉप है सिम की, फिर मैं लेके आप लोगों को बताता हूँ। सो दोस्तों काफ़ी लोगों से पूछने के बाद सिम का एड्रेस मिल गया है, Tele2 का ये स्टोर है पूरा, और इस प्लाज़ा का नाम है केसर प्लाज़ा। तो आप नेट पे सर्च मारना या मैं कोशिश करूँगा इसका लोकेशन देने की। ये यहाँ पे इनका पूरा मतलब सिम का केयर है एक तरह से, तो यहाँ पे मैंने सिम पता किया है। तो अभी चलिए अंदर चलते हैं। सो दोस्तों मैंने सिम ले लिया है Tele2 का, 4G है या 5G पता नहीं, अब वो तो नेटवर्क आएगा तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर Tele2 5G लिखा है। यही सिम के बारे में मैंने सुना था, काफ़ी अच्छा सिम है, तो मैं यहाँ परचेस करने आया हूँ। और ये Tele2 का स्टोर है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सिम ये कुछ मुझे पड़ा है 2800 टेंगे का, यानी कि 600-700 के आसपास। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपको मैंने जैसा कि दिखाया, ये सब फल है और भी सब्जियाँ भी है, तो मैंने ये ग्रीन एप्पल लिया है 1.5 किलो, और उसका नंबर रहता है तो आपको इस पर वजन कर लेना है। ये लगभग 300 ग्राम के आसपास है, और इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर जो भी उसका नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे देखिए 13 नंबर लिखा है, तो आपको जो नंबर आपका जहाँ से आपने उठाया है वो नंबर आप इसमें ऐसे टाइप कर देंगे और फिर ओके कर देंगे, तो आपका ये रिसिप्ट इस तरह से निकल जाएगा। और यहाँ पे पैकेट ले लेते हैं, अभी जा रहे हैं कोकतोबे। तो ये सब भाई लोग भी हॉस्टल से ही हैं। हेलो देव भाई। और इनका क्या नाम है? अनुराग। अनुराग भाई। और ये रंजीत भाई। प्रवीण भाई। प्रवीण भाई। दोस्तों अभी हम केबल कार में आ गए हैं और ये ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। करना नंदन छाया का, उनको भी दिखाता। लौरा फातिमा। फातिमा दादा नीचे हो जाएगा, तुम हड्डियों का कवर क्या ओए बेटी, हो ना यार।